Hello student, good morning to everyone. We are first year subject ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक. इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे वर्ड एप्लीकेशन विंडो के बारे में. अगली क्लास में हमने वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जाना था, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा की थी. आज हम अध्ययन करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के विंडो. वर्ड प्रोसेसिंग की विंडो क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग की स्क्रीन पर विंडो को दो भागों में बांटा गया है, एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो. तो एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत मेनू बार है ना, टाइटल बार, या तो अपन जानते हैं कि कौन कौन सी विंडो में इस पर कार्य किया जाता है. तो वर्ड प्रोसेसिंग विंडो जिससे मेरा पहली है एप्लीकेशन सेशन विंडो. एप्लीकेशन विंडो उसके आगे आपके डॉक्यूमेंट विंडो. तो एप्लीकेशन विंडो और वर्क विंडो, इससे मैंने एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो. तो अब अपने दो बातों में इसको डिवाइड किया है, जिससे मैंने कितनी दो होती है, पहली एप्लीकेशन विंडो और दूसरी डॉक्यूमेंट विंडो. अब अपन इसको एक एक को जानेंगे कि एप्लीकेशन विंडो के अंदर कौन कौन सी आती और डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर कौन कौन सी आती. तो अपन लेते हैं एप्लीकेशन विंडो फर्स्ट हेडिंग है के सबसे ऊपर या उसके बाद होता है. तो क्या है टाइटल बार सबसे ऊपर गहरे रंग की पट्टी होती है ना, ऊपर होगी, उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रेक लगा
इसका जो उदाहरण होती है वो किसको होती है जिसमें उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, स्क्रीन पर आप कौन सा सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो उसका नाम होता है। इसको कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में तो उसके ऊपर कौन सा नाम आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होता है। हम इसे टाइटल बार कहते हैं, ठीक है, ये टाइटल बार और इसका परफॉर्मेंस और भी देख सकते हैं। इसके परफॉर्मेंस में ऊपर है ना इससे विंडो क्लोज का और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का भी ऑप्शन होता है ना इस तरह का। तो इसके अंदर विंडो को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का और उसको क्रॉस करने का भी ऑप्शन होता है। तो और भी देख सकते हो आप। फिर आता है टाइटल बार के नीचे मेनू बार होती है, उसे मेनू बार कहते हैं, ठीक है। इसमें नीचे की और होती है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सी होती है टाइटल बार, फिर उसके नीचे मेन्यू बार, फिर उसके बाद में आती है ये स्टैंडर्ड टूल बार, जिसके नीचे होती है मेन्यू बार के नीचे होती है। इसमें बटन होते हैं इसका प्रयोग शॉर्टकट कमान के लिए होता है, ठीक है। इसमें किस तरह शॉर्टकट ऑप्शन होते हैं जैसे कट करना हो किसी चीज को हटाना हो या कॉपी करना हो, ठीक है, और आ सकते हैं ओपन करना हो
परमानेंट टू स्वाद, ठीक है। परमानेंट टू स्वाद क्या होती है? ये किसी चीज होती है स्टैंडर्ड टू स्वाद के लिए, है ना? स्टैंडर्ड टू स्वाद नीचे की और कौन सी होती है? फॉर्मेटिव टू स्वाद। Yeah.
टेप का मार्जिन साइज वगैरह इसको टेप को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, धोला मार मार फिर आगे आप किया स्टेप पास स्टेप सबसे नीचे एक क्या होती पट्टी पट्टियां या पट्टी का कर सकते हो आप पट्टी का इकाई देती है ठीक है। एक प्रश्न होती है स्टेटर बहुत सबसे नीचे एक पट्टी होती है लिखा जाती है इसे हम क्या कहते हैं स्टेटस बार कहते हैं जो सबसे नीचे की ओर होती है ठीक है। इसे ठीक है तो ये स्टेटस बार कहते हैं इसको सबसे नीचे की ओर होती है इसका अगर कोई भी कोई मेनू बार तो अगर की जरूरत है लिखा जाए आपको रूल्स फॉर स्टेटस बार। तो आज हमने पढ़ा एप्लीकेशन वर्ड की विंडो के बारे में इसके अंदर जो टॉपिक डिवाइडेड किया गया है एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो। तो एप्लीकेशन विंडो के अंदर हमने पढ़ा टाइटल बार मेनू बार है ना फॉर्मेटिंग बार ये पढ़ा। डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वही टाइटल बार तो उसके बाद आपको रूलर और स्टेटस बार। तो आज हमने ये जाना उससे ये वाला डॉक्यूमेंट बार टॉपिक इससे संबंधित आपका होमवर्क है पालना करें और अपना नमूना लेकर वैक्सीनेशन करें। ओके स्टूडेंट धन्यवाद।